स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण देख चुके हैं, ठीक है। आगे अब हम लोगों को इसमें देखना है कौन सा, जंतुओं में पोषण देखना है। तो जंतुओं में स्पेशली हम लोगों का जो टॉपिक है ये किसके लिए देखना है, मनुष्य में पोषण देखना है। क्या देखना है, मनुष्य में पोषण। तो सबसे पहले मनुष्य में पोषण में हम ये बात आते हैं कि मनुष्य की जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो होती है प्राणी सम भोजी पोषण होता है। अब प्राणी सम भोजी पोषण या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्राणी समभोजी पोषण या फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन, पोषण की वह प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन सबसे पहले अंतर्ग्रहण करता है, फिर उसका पाचन करता है, फिर उसका अवशोषण करता है, फिर उसका स्वांगीकरण करेगा और लास्ट में जो अपचित भोजन रहता है उसको शरीर से बाहर कर देता है। तो इस तरह से पोषण की जो प्रक्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन या फिर प्राणी सम भोजी पोषण बोलेंगे, ठीक है। परिभाषा लिख रहे हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोज्य पदार्थों का सबसे पहले अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण फिर पाचन और शोषण स्वांगीकरण करता है और अंत में अपचित भोजन का उत्सर्जन या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, बहिष्करण करता है। प्राणी सम भोजी पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। परिभाषा समझ में आया, देखिए किस तरह से होगा। सपोज हम बात कर रहे हैं ये कोई भी खाने की चीज है, ठीक है, खाने की चीज में इवन कोई सभी ले सकते हैं जो हम लोग खाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, अंतर्ग्रहण करेंगे। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कोई भी भोज्य पदार्थ को हम अगर मुख तक ले जा रहे हैं, ठीक है, तो मुख तक ले जा रहे हैं मतलब अपने माउथ में ले जा रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, अंतर्ग्रहण कहलाएगा, ठीक है। अब मुख में ले जाने के बाद हम पहला काम क्या करते हैं, जो भी खाने का सामान रहता है उसको हम चबाते हैं, ठीक है, चबाते हैं। बोलने का मतलब अभी ये जैसे मैं मुख में ले जा रहा हूं तो ये क्या है, बड़ा है, तो चबाऊंगा तो ये क्या होगा, छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। तो ये जो बड़े पदार्थों को छोटे भागों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। तो अंतर्ग्रहण के बाद दूसरा काम क्या हुआ, इसमें पाचन की क्रिया हुआ। पाचन के बाद तीसरा क्रिया होगा, जब ये छोटा छोटा भाग में टूट जाएगा तो हमारे शरीर की जो कोशिका है उसको क्या करने लगेगा, अवशोषित करने लगेगा। तो जो अवशोषित करने की क्रिया है, अब इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अवशोषण यूज करेंगे, ठीक है। अब जब ये अवशोषित होगा तो जाएगा कहाँ, हमारे रुधिर में जाएगा, रक्त में जाएगा, खून में जाएगा, ब्लड में। अब ये रुधिर जब क्या होगा, हृदय की पंपिंग के द्वारा शरीर के जब विभिन्न भागों में जाएगा तो उस रुधिर के साथ साथ जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है ये भी क्या होगा, शरीर के विभिन्न भागों में परिवहित होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। मतलब समझ में आया, अवशोषित भोज्य पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। इसका मतलब जब अवशोषित होगा तो वो शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा और लास्ट में हम बोलते हैं कुछ भोज पदार्थ ऐसे रहेगा जो हमारे शरीर से अवशोषित नहीं होगा या हमारे शरीर की कोशिकाएं उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो वो पदार्थ जो अवशोषित नहीं हो रहा है उसको फिर हम शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं उत्सर्जी पदार्थ या मल के रूप में।
तो ये क्रिया जिसमें हम शरीर से क्या करते हैं, बाहर करते हैं किसको, अवशिष्ट पदार्थों को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन या बहिष्करण कहते हैं। क्लियर है? तो प्राणी संभोजी पोषण समझ में आ गया होगा, वह पोषण जिसमें भोज्य पदार्थों का पहले अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा और अंत में इसका क्या होता है, बहिष्करण या उत्सर्जन की क्रिया होगी, क्या कहलाती है, प्राणी संभोजी पोषण कहलाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया मनुष्य के लिए। प्राणी संभोजी पोषण के हम उदाहरण बताते हैं तो इसमें दो आता है, एक तो हम बोलते हैं अमीबा, अमीबा में भी इसी तरह से होता है, और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, मनुष्य की। अमीबा जो रहता है इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं एक कोशिकीय जीव है जिसमें प्राणी संभोजी पोषण होगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, और ये कौन सा आएगा, बहु कोशिकीय जीव में जिसमें क्या होगा, प्राणी संभोजी पोषण पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्राणी संभोजी पोषण का एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, तो इसमें आएगा कौन सा, अमीबा। बहु कोशिकीय जीव के उदाहरण में कौन सा आता है, मनुष्य आता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को आगे इसी में देखना है मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है उसको, लेकिन इसके पहले हम लोग बात करते हैं भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व किसको बोलेंगे। पहले मैं ये एक छोटा सा बता रहा हूँ, फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पोषक तत्व की। पोषक तत्व, पोषक तत्व किसको बोलेंगे, वे सभी पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या कहलाता है, पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे वे सभी पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। क्लियर है? सिंपल हम लोग बोल सकते हैं, चाहे वो कोई सभी पदार्थ हो, अगर हमारे शरीर को ऊर्जा या एनर्जी प्रदान कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। पोषक तत्व दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। पहला इसमें आएगा दीर्घमात्रिक, दूसरा इसमें आएगा लघुमात्रिक। दीर्घमात्रिक किसको बोलेंगे और लघुमात्रिक किसको बोलेंगे, तो वे तत्व जो हम जिसकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उसे हम दीर्घमात्रिक तत्व बोलते हैं, और वे पदार्थ जिसकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसे हम लघुमात्रिक तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जिसकी हमारे शरीर के विकास के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है दीर्घ मात्रिक तत्व कहलाती हैं, कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं उदाहरण की, तो देखिए उदाहरण में कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसको हमारे शरीर में, अगर हमारा शरीर का विकास होना है, ग्रोथ होना है, तो अधिक मात्रा में आवश्यकता किसकी किसकी होगी। सबसे पहला नंबर पे आता है इसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, दूसरे नंबर की हम बात करें तो यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रोटीन। तीसरे नंबर पे हम लोग जनरली बात करते हैं वसा की। तो ये तीन पदार्थ ऐसे हैं जिसके हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। दूसरा नंबर की अगर हम बात करें लघु मात्रिक, तो जैसा कि नाम दिख रहा है लघु मतलब होता है कौन सा, छोटा। तो इसके बेसिस पर हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, वे पदार्थ
जिसकी हमारे शरीर के विकास के लिए कम मात्रा में आवश्यकता होती है इसे उससे लिखना था लघु मात्रिक तत्व कहते हैं। कम मात्रा में आवश्यकता होगी ना, मात्रा में बोल रहे हैं तो ऊर्जा क्यों लिखेंगे। इसे लघु मात्रिक तत्व मतलब जिसकी कम जरूरत हो और जिसकी ज्यादा जरूरत हो, ठीक है। ज्यादा जरूरत होगी तो दीर्घ मात्रिक और कम मात्रा में जरूरत हो तो लघु मात्रिक। उदाहरण हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो उदाहरण में आता है विटामिन। विटामिन हम कम मात्रा में लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ आएगा मिनरल, ठीक है। तो ये दो है, विटामिन और मिनरल, जो किसमें आएगा, लघु मात्रिक में आता है, ठीक है, इस तरह से। और तीन यहां पर है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये किसमें आएगा, दीर्घ मात्रिक में आएगा, क्लियर है। में मनुष्य का पाचन तंत्र, देखिए पाचन तंत्र मतलब यहां सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम जो रहता है इसमें दो अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, ऑर्गेन होंगे, ठीक है। या फिर मनुष्य के पाचन तंत्र जो होता है, एक्चुअल में इसमें क्या होता है, दो तरह के भाग होते हैं। एक भाग को हम बोलते हैं आहार नाल और दूसरे भाग को हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, सॉरी पाचन ग्रंथियां बोलते हैं, ठीक है। दो भाग होगा, कौन कौन सा, एक होता है आहार नाल, दूसरा भाग क्या होगा, पाचन ग्रंथि होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर पाचन तंत्र की। मनुष्य का पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से भाग होंगे, अब इसमें पहला भाग होगा इसमें आहार नाल, और दूसरा भाग होगा इसमें पाचन ग्रंथि होगा। पाचन ग्रंथि जो पाचक रस का क्या करेगा, स्त्रावण करेगा, जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। आहार नाल क्या होगा, एक नलिकाकार संरचना होती है जहां से होकर हमारी भोजन क्या होती है, हमारे पूरे पेट में या हमारे पूरे शरीर में गुजरती है। तो वो नली जिसमें भोजन पास होगी, गुजरेगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आहार नाल। और वे ग्रंथि जो भोजन के पाचन के लिए पाचक रस स्त्रावित करता है, उसको हम पाचन ग्रंथि बोलेंगे। तो यहां पर हम बोल रहे हैं नली के समान संरचना जिससे होकर भोजन हमारे शरीर में गुजरती है बोल सकते हैं, या पास होती है, आहार नाल कहलाती है ठीक है। पाचन ग्रंथियां किसको बोलेंगे, वे ग्रंथि जो भोजन के पाचन के लिए पाचक रस का स्त्रावण करती है, पाचन ग्रंथि कहलाती है तो देखिए पाचन ग्रंथि बोले तो जो पाचक रस स्त्रावित करता है उसको पाचन ग्रंथि, और जिसमें से होकर भोजन गुजरेगी हमारे शरीर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, आहार नाल। अब हम देखेंगे आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं और पाचन ग्रंथि में कौन कौन से भाग होते हैं, और इसके बाद हम एक डायग्राम बनाएंगे पाचन ग्रंथि का, ठीक है।
तो मतलब पाचन ग्रंथि और आहार नाल के दोनों को डायग्राम बनाएंगे जिसको हम पाचन तंत्र बोलेंगे। तो पहले आहार नाल के मैं भाग के बारे में बता रहा हूँ, फिर पाचन ग्रंथि के, फिर दोनों को डायग्राम में हम लोग दिखाएंगे, ठीक। आहार नाल, आहार नाल की परिभाषा तो पहले मैं लिख दिया हूँ, नाम बस लिख रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट इसमें होता है मुख, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिख रहे हैं माउथ। दूसरा पार्ट होगा इसमें मुख गुहा, मुख गुहा को हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। तीसरा पार्ट है इसमें फेरिंग्स ग्रसनी, फेरिंग्स। चौथा पार्ट है इसमें ग्रास नली, ग्रास नली को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस। पांचवा होगा इसमें अमाशय, अमाशय के लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं स्टोमक। छठवा पार्ट है छोटी आंत, छोटी आंत को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाद होगा कौन सा, बड़ी आंत, बड़ी आंत को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। और नेक्स्ट लास्ट वाला भाग होगा जो बड़ी आंत के भी भाग में ले लेते हैं, इसके लिए गुदा द्वार या फिर एनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आहार नाल का भाग जो पहले हम लोग देख रहे थे। दूसरा हम लोगों को देखना है पाचन ग्रंथि। तो पाचन ग्रंथि में कौन कौन से नाम तुम लोगों को याद रखना है, ये देखिए। सबसे पहला नाम जो इसमें आता है या पूछा जाता है वो है यकृत। दूसरा नाम हम लोगों को याद रखना है कौन सा, अग्नाशय। तीसरा नाम हम लोगों को याद रखना है इसमें लार ग्रंथि। चौथा नाम याद रखना है इसमें जठर ग्रंथि। और पांचवा नाम इसमें याद रखना है ब्रूनर्स ग्रंथि। तो टोटल पांच ग्रंथि के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि और ब्रूनर्स ग्रंथि। ये पांच ग्रंथि के नाम हैं जो हमारे पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। और ये हमारे आहार नाल जहां से हमारा भोजन पास होते हुए आगे की ओर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। यकृत को इंग्लिश में हम बोलते हैं लीवर, अग्नाशय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैनक्रियास, लार ग्रंथि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जठर ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और ब्रूनर्स ग्लैंड को इंग्लिश में यही बोलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ये इस तरह से इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है।